उन्होंने घट्टो घट 28 साल मैं सुनता 28 साल का इतिहास पढ़िया भी आने उमर ने जड़िया उन्होंने बेचारे ने अंदर ही बंद कीतियां रह गए ने ते अजकल तो जी 2 दिन ही अंदर बंदा बंद हो जाए तो वह मैं लगता भी उन्होंने हॉस्पिटल चक के लिया पैदा। 328 सरूप मैडम जी इन्होंने गायब किए ने, इन्होंने बेईमाना ने बादलकिया ने बादलकिया के राज दे विच गायब होए ने। कौमी इंसाफ मोर्चे दे विच जिथे हर वर्ग का साथ मिल रहा उत्थे गुरां दीआं लाडलियां फौजां इत्थे पहुंचियां होईआं ने, घोड़े इन्हां दे इत्थे पहुंचे हुए ने, काफ़ी दिन हो गए ने मोर्चे दे विच डटे हुए ने। सिंघो किन्ने दिन हो गए हुए आ डटे हुए हो तुसीं लगातार, कदों तक सरकारां जिहड़ा नहीं झुकणगीआं कि सरकारां नूं झुकणा पऊगा एट द एंड। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जी मोर्चा तो मेरे ख्याल से तो लम्मा ही चलूगा, लम्मा चलूगा क्योंकि सरकारां छेती मानदियां नहीं हुंदियां। अगे भी जिहड़ा किसान मोर्चा है श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल ने जिहड़ा जितया ना, साढ़े 2 घोड़े मैडम जी उत्थे चढ़ाई कर गए सीगे जो 26 जनवरी ते ना साढ़े सामने अथरू का जो सटिया तो उदों सामने ही साह दे उत्थे चढ़ाई कर गया। दूसरा दूजे दिन चढ़ाई करता जी, दूसरे दिन तो सारी रात वो मुंडा मालिश करता रहा। वो मोर्चा आप किसानी जितया जी, हुण ये भी मोर्चा आप जितांगे। वेखो जी साढ़े 328 सरूपां का यानी कि किन्नी बेअदबी की गई, सानू कोई इंसाफ नहीं मिलिया। वो मुंडे नौजवान बेनते बुच्चड़ नू मारिया, असी निक्के निक्के ही जो सानू पता लगता है, पर पता लग्या कि उन्हें 42,000 नौजवान मरवाता ते अजे होर मरवाने 72,000 उन्हें कहा ही पंजाब चो खत्म कर दिओ, पर कृपा रही महाराज की बड़ी। पर हुण सानू आया नू तां हो गए ने दिन जी 7-8 दिन हो गए सानू आया नू, ते लम्मा ही संघर्ष है श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़े दल का चलेगा। सिंह साहब जहेदर बाबा मान सिंह जी ने ते रागा सिंह भी साढ़े नाल ने, ते बाकी मैं सारिया जो पंजाब दियां नौजवान पीढ़ियां ने उन्हां नू आपां सुनेहा लाउणा चाहुंदे आ कि नौजवानों मुंडियो तैयार प्रत्यार हो के तगड़े हो गए इत्थे आपां आईए। जिवें किसानी मोर्चा आपां जित्तिया इस तरह का मोर्चा आपां उह वी जित्तीए। ते मैं भैणां बीबियां अते बजुर्गों नूं भी बेनती करदा कि तुसीं वी तुहाडा वी सब तो वड्डा संजोग है, सब तो वड्डा तुहाडा इत्थे आउणा बणदा है क्योंकि साढ़े अर्गे बच्चों फिर ही पता लगेगा ना जदों साढ़े बजुर्ग बैठे हुए। तो मैं सारे पंजाब भारत नूं बेनती करदा हाँ कि संघर्ष सारयां दा सांझा है, ते ओ नौजवान मुंडे जिहड़े हवारे वर्गे जिन्हां ने बेनते बुच्चण नूं मारिया ते चढ़दी कला दा पहरा कीता, मैडम जी उन्होंने घट्टो घट 28 साल मैं सुनदा 28 साल का इतिहास पढ़िया भी आ उन्होंने उमर ने जड़िया उन्होंने बेचारे ने अंदर ही बंद कीतियां रह गए ने। ते अजकल तो जी 2 दिन ही अंदर बंदा बंद हो जाए तो वह मैं लगता भी उन्होंने हॉस्पिटल चक के लिया पैंदा जी, तो उन्होंने उस 28 साल धन मैं सलाम करदा जी। मैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह की जाना बाबा हवारा सिंह जी ने जिन्नियां साडियां फौजां ने अंदर ते गुरु ग्रंथ साहिब दे नां ते जकारा इक लाउणे आ, जकारा की जावे निहालो जावे धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं भावे सत श्री अकाल। गुरमुरे अकाल देख देख फतेह। 328 सरूपां दा जिहड़ा साडा संघर्ष सब तो वड्डा जी, 328 सरूप मैडम जी इन्हां ने गायब कीते ने, इन्हां ने बेईमाना ने बादलकिया ने बादलकिया के राज दे विच गायब होए ने, इन्हां ने वो बेईमान तो बंद मतलब के करवाए, इन्हां ने बेअदबियां वो बुच्चड़ तो करवाइया। मेरा मतलब के कहण दा ये आ भी वो जिहड़ा तुसीं समझ ही गए झूठा सौदा, सच्चा सौदा नहीं झूठा सौदा, जिहड़ा जिन्हें कातली आ बलात्कारी आ पता नहीं किन्ने कुछ किड्डे किड्डे वड्डे वड्डे उन्हें जिहड़े कम कर छड्डे, हैरानगी होण वाली भी बंदे नूं मार के बुढ़ी कुड़ी नूं मार के उहदे उत्ते बूटा ला देना, हैरानगी वाली गल समझदे आ जी। उन्हां तो साडे गुरु ग्रंथ साहिब साडे इष्ट दा बेअदबियां करवाइयां जी, ते साडे वी नाल रले, जे साडे रले ते तां ही कम खराब होया। इन्हां ने बेईमाना ने संतां नूं मरवाया, मैडम जी सच पुछो मैं इतिहास पढ़िया आ, इतिहास दे विच वेख्या आ इन्हां ने हथ खड़े करके बाहर आए ने, टौड़ा लौंगोवालिया बादल ये ना हथ खड़े करते, तो उन्हां दी जुरत नहीं सी कि संतां नूं जा श्री अकाल तख्त साहिब जी नूं
आज भी आ जाती पर मैडम जी असी सानू दिल दिल भरे नाल सोग दे विच कहने कि साडा जिहड़ा नुकसान किया बहुत ज़्यादा साडा नुकसान होया। वड्डियां वड्डियां जिहड़ियां चाननियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े कीमती 84 का वजन करते जिहड़े कीमती वह सड़े तो कीमती चीज़ा जिहड़ियां वह उत्थे सड़ियां जी इन्हां बेईमाना ने। तो ये बेईमान उदू बाद आए तो यह राजे बन गए राज इन्होंने ले लिया हूँ भी कहते राज दो राज दो वो तो 95 साल हो गया भलिया हूँ तू आपकी उम्र वेख राज लो ला लो सेवा करांगे वो सेवा नहीं होता तू आपकी सेवा करवा ला इन्ना ही बड़ा आ जे तू आखेगा सेवा करेंगे वो बड़ा औखा आ। तो इन्होंने बेअदबियां करवाइया इन्होंने कीतियां क्योंकि बगराड़ी भी मोर्चा लगता रहा जी उत्थे भी जाते रहे हैं मैडम जी उत्थे नाल पंज ग्राही का जिहड़ा मोर्चा होया ना वह भी असी उहदे नेड़े ही सीगे उदो उत्थे असी हाँ जी असी सामने तो नहीं सी हैगे झूठ नहीं बोलते पर तकरीबन नेड़े सीगे बाद च आए हाँ वो मुंडिया नू हॉस्पिटल तकर असी जिन्हां दे लक विचारियां दे तोड़े ना दो नौजवान मुंडे उन्हां दे इन्हां बेईमाना दे बंदियां ने इह नुकसान कीता जी। तो असी बुढ़े दल दी छाउणी है पर कोटकपुरा वड्डा गुरद्वारा जिहड़ा बाबा कलवंत सिंह जी ने उत्थों दे जथेदार बुढ़े दल दे साडे नाल ही उन्हां दा संपर्क है इन्हां दे नाल जमाती ने गुरु ग्रंथ साहिब आदि गुरु ग्रंथ साहिब दे दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अते सरबलो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मतलब कि पाठ सारा संपूर्ण इन्हां ने विद्या लई आ सिंह साहिब जथेदार बाबे संता सिंह जी कोलों अकाली कोलों उन्होंने कोलों इन्होंने विद्या लई आ सिंह साहब जथेदार बाबा सरजीत सिंह जी का सिंह साहब जथेदार बाबा प्रेम सिंह जी सिंह साहब जथेदार बाबा मान सिंह जी मौजूदा जेडे हुण तैयार प्रत्यार हो गए जिन्हों का श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल वेखो उधर भी तुम इंटरव्यू करते आए हो उधर भी कितों तिकर घोड़े लगे हुए हैं साडिया मैडम घट तो घट भी 10 तो साढ़े को ट्रक ही ने जिन्हां दे विच लद के दवा दव रातों रात असी रवाना हो जाने जी दूर तिकर पहुँच जाने तो जो अं ने जाना हो 20 किलोमीटर या 15 उदो फिर पैदल चढ़ा दी दा वो साढ़े को घोड़े उतरा 70 डेढ़गढ़ घोड़सवार हो जाते जी तो उतरा जो महल 150 डेढ़गढ़ घोड़सवार जिमें मुजहारा करना हो जा, जाना हो गुरपुरब नगर कीर्तन के उदो मन के चलो भी 150 डेढ़गढ़ साढ़े को घोड़सवार 250-300 डेढ़गढ़ साढ़े को फौजा ने जड़िया तैयार प्रत्यार हो गए जिहड़े पहरे करते हैं लंगर का पहरा भी वधिया हो रहा है तो मंदिर का पहरा गुरद्वारा साहब का पहरा जिहड़ी पालकी साहब सजी हुई है मैडम जी वो जरूर आप जी विखायो वो बुढ़े दल की श्रोमणी पंथ अकाली दल की जिहड़ी है पालकी साहब वो विखायो तो लंगर विखायो सारे ही विखायो वैसे लंगर जिहड़े आ ना जिहड़े सरबलों के बाटियां दे विच जां सरबलों के भांडियां दे विच मैडम जी जिहड़ा बनता ना वो तो बीमारियों तो कृपा ही आ नहीं लगदियां तुसी सुनिया होना वैसे तुसी बुजुर्ग सानू घरां दे विच वरतदे रहे आ साडे बुजुर्ग वेरी गुड वरतोगे तुहानू पता लग ही जांदा जी वरत्या पता लगता तो वह सरबलों के विच सारे जिहड़े पदार्थ ने जिहड़ा दो टाइम भोग लगता जी जिवें रोटी प्रशादे नू ते दाला सौजी भाजे नू वह भोग लगता जी फिर आसा दी वार दे विच ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महाराज दे सामने आरती आरती समेत सारा सवेरे भोग पैंदा है उदों कड़ाह प्रसाद दी देग नूं भोग लगता है तो अमृत वेले फिर भोग ये लंगर दा लगता जी ये मर्यादा है जी जो मर्जी हो जाए मीह आवे झक्कड़ आवे जो मर्जी हो जाए ये चुल्हा तपना ही तपना ये बाबा बुढ़ा जी का धन धन माता साहब देवा जी का ये धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक देव पातशाह की चलाई मर्यादा ये लो लंगर साहब तो लो माता ये मैडम जी तपनिया ही तपनिया जी दाल सब्जी कोई चीज खाओगे ना कहोगे भी काला है कालिया ने चीजा छो वाली चीजा नहीं सानू चाहिए सानू फैशन फूशन नहीं चाहिए वे तड़का लाल रंग का दिशे सर्ब लो बिच रली होंगी आ जड़े पाने कड़े कुड़े आ कड़े ये भी सर्ब लो देंगे ने ते असी चलो टाइम तो सारे का होना है पर बीमारियां तो रहत ही ज्यादा रेंदे ने सिंह कुछ अं पखियां पुखे थले घट सौने ज्यादा बीमारियां बिजली थले लगदियां ने टुटते नहीं लोग एसियां के थले बीमारियां ही नहीं रही तो अं जिथे मर्जी सौ जाना सानू कोई चक्कर नहीं।
उत्तर त्रेल पैंदी है परमात्मा दी ऐसा आबो हवा हुंदी है ते बस ठीक ठाक तड़के उठना है। सुखमणी साहब का पाठ करो, जपजी साहब का पाठ करो, चार बजे इनान करो, महाराज का नाम लो। अहीं नहीं तो लोग तो नौ बजे तक रजाई लेट छड़दे ने। बच्चे हुण बुढ़े हुण पिंडां जे होई आ रहे शहरां जे आ चोब लग जांदी आ जिहड़ा नगारा महाराज का मड़िया ना उहदे ते चोब लग जांदी अमृत वेले एक बजे। वह चोब लगन के हिसाब नाल कोई एक बजे उठ पैंदा, कोई दो बजे, कोई तीन बजे, एंड चार बजे तो पहलों पहलों सारिया ने उठ पैना जी। चार बजे तो पहलों पहलों पांच बजे सारिया ने दरबार साहब चल जाना है। तीन घंटे पांच बजे तो लैके अठ साढ़े अठ बजे तक पहलों आसा जी का वार का, पहलों अमृत वेले बाणिया का नेत्रम आता, काल उस्त का, चंडी दीवार का, सिद्ध गोष्ठ का, जिमें जड़िया बाणिया ने इन्हों का जोड़ा प्रचार हों जी। उस बाद बाणिया का फिर सुखमणी साहब, उदू बाद फिर आ जाती है जी आसा दीवार। आसा दीवार तो बाद फिर जी भोग पेंदे ने, भोग तो बाद फिर हुक्मनामे लै जाते जी। उदू बाद शड्यूल है साढ़ा यो ही आ भी इतने तैयार प्रचार हो के डटे हाँ, जिन्ना चिकर छड़ते नहीं गए उन्हना चिकर ही इतने तैयार प्रचार हो के रहा गए। किसी नाल धक्का नहीं करते, जो कोई धक्का करता जर भी लवेंगे पर छेती किता असी धक्का नहीं करांगे। क्या जा रहा है कि धक्का असी जरांगे नहीं, तो अपने हक जिहड़े लैके घर परतांगे। मोर्चे दे विच जिहड़े तमाम वर्ग पहुंचे उत्थे निहंग सिंह भी तैयार पर तैयार हमेशा डट के खड़े ने सरकारां दे नाल टक्कर लैण दे लई। कैमरामैन अशोक दे नाल शालू मरोक, चंडीगढ़ मोहाली।